Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you all a new topic, that is type 1 and type 2 error. I have already discussed with you a topic, that is level of significance in statistics. This video is the extension of that previous video. Okay. सो स्टार्ट करते हैं. जब हम लोग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ डेटा या एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस या क्वांटिटेटिव रिसर्चेस की बात करते हैं, तो ये सारे टर्म्स आते हैं. आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, आपका टाइप वन एंड टाइप टू एरर, वन टेल्ड एंड टू टेल्ड टेस्ट, तो ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. तो पिछले वीडियो में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात हुई थी, वो चूंकि ऑलरेडी लंबा हो गया था थोड़ा सा, तो मैंने उसको कट शॉर्ट वहीं पे कर दिया बीच में. ये उसी का एक्सटेंशन है. इसको भी आप समझ लेंगे तो आप बेहतर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को भी समझेंगे और टाइप वन टाइप टू एरर को भी समझेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में भी टाइप वन टाइप टू एरर को इन शॉर्ट मैंने आपसे बताया था. तो बहुत ये पूछा जाता है थ्योरी में भी, और जब आप रिसर्च करते हैं और आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस यूज करते हैं तब भी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा समझ के चलेंगे तो कर पाएंगे. अगर याद करके आपने कोशिश की कि आप इसे लिखें, लिख पाए, तो ये आपका साथ नहीं देगा. ओके, तो शुरू करते हैं. क्या फिर से वहीं से शुरू करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग. इट स्टार्ट्स विद द अजम्पशन ऑफ नो डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स और नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन द पॉपुलेशन. जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं, ये अजम्पशन है, ये मूलभूत मान्यता है कि हम ये मान के चलते हैं कि जो दो ग्रुप्स हैं उनके बीच में कोई अंतर नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, है ना, बिटवीन वेरिएबल्स इन द पॉपुलेशन. जो भी हमारी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसके जो चर हैं उनके बीच में देयर इज नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं, सब न्यूट्रल है. हम ये मान के चल रहे हैं, दिस इज द नल हाइपोथेसिस. हमने इसके बारे में जाना है. द नल हाइपोथेसिस इज द फॉर्मल बेसिस फॉर टेस्टिंग स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस. यानी कि जब आप सांख्यिकीय महत्ता की बात करेंगे, सांख्यिकीय रूप से ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं ये बात करेंगे, तो आपको नल हाइपोथेसिस बनानी ही है. ये फॉर्मल बेसिस है, फॉर्मली हमको ऐसा करना है, यही आधार है. By starting with the proposition that there is no association, statistical tests can estimate the probability that the observed association could be due to chance. By starting with the proposition, हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई संबंध नहीं है, कोई association नहीं है, कोई relationship नहीं है, तो statistical test क्या करता है, ये उस संभावना की जांच करता है, can estimate, जांच कर सकता है कि जो हमको observed association, यानी कि जो हमको संबंध दिखाई दे रहा है, जो प्रेक्षणीय संबंध है, क्या वो by chance आ गया है या actually है, है ना. सारी सारी मतलब सारी समस्या या सारी जो 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 concept है उसका मूल यही है, ठीक है. फिर इट्स ऑलवेज पेयर्ड विद एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. जब भी आप नल हाइपोथेसिस बनाएंगे तो साथ में एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी बनाएंगे, विच इज योर रिसर्च प्रिडिक्शन. यही हमारा रिसर्च प्रिडिक्शन होती है. एक्चुअली हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसलिए नहीं बनाते कि हमको बीइंग एन ऑब्जेक्टिव रिसर्चर बायस नहीं रहना है. तो हम कहेंगे ठीक है भाई, हम बिना किसी बायस के चलेंगे, नल हाइपोथेसिस लेके चलते हैं, और लास्टली हम चाहते यही है कि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको हम एक्सेप्ट कर लें और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें, है ना. तो नल ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहती क्या है, विच इज योर रिसर्च प्रेडिक्शन. ये हमारे रिसर्च की भविष्यवाणी होती है कि जो दो ग्रुप्स हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप है और एक्चुअल डिफरेंस है. देन यू डिसाइड, जब हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे तब हम इस निर्णय पर आएंगे कि वेदर द नल हाइपोथेसिस कैन बी रिजेक्टेड बेस्ड ऑन योर डेटा एंड द रिजल्ट्स ऑफ ए स्टैटिस्टिकल टेस्ट. तब हम ये जांच करके बताएंगे कि जो नल हाइपोथेसिस है क्या रिजेक्ट की जा सकती है उस डेटा के आधार पर जो हमने स्टैटिस्टिकल टेस्ट के रिजल्ट से निकाला है. सिंस दीज डिसीजंस आर बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटीज, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ मेकिंग द रॉन्ग कंक्लूजन. चूंकि ये जो निर्णय होते हैं वो संभावना पर आधारित होते हैं, इसलिए हमेशा ये जोखिम बना रहता है कि हम किसी गलत निष्कर्ष पे ना पहुंच जाएं. ओके, तो जो टाइप वन और टाइप टू एरर है ये एक्चुअली वही गलत निष्कर्ष हैं जिन पर कि एक्सपेरिमेंटर पहुंच जाता है. तो जस्ट लाइक ए जज कंक्लूजन एंड इन्वेस्टिगेटर्स कंक्लूजन में भी रॉन्ग. जैसे जज का भी आप शत प्रतिशत नहीं कह सकते कि हर बार वो सही निर्णय लेगा, निष्कर्ष पर पहुंचेगा, उसी तरह से अनुसंधानकर्ता के भी निष्कर्ष गलत हो सकते हैं. समटाइम्स बाई चांस अलोन, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बाई चांस जो हमने सैंपल चुना वो हमारी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था. दस The results in the sample do not reflect reality in the population and the random error leads to an erroneous inference.
Thus, the results in the sample, तो जो हमारे सैंपल में हमको रिजल्ट दिखता है, do not reflect reality in the population. वो population की reality का सही reflection नहीं करता है. And the random error leads to an erroneous inference. और जो ये जो randomly जो हमसे गलती हो गई है, त्रुटि हो गई है, इस error की वजह से हम गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं. तो अब आते हैं टाइप वन और टाइप टू एरर पे. तो जो टाइप वन एरर है उसको फॉल्स पॉजिटिव कहा जाता है और टाइप टू एरर को फॉल्स नेगेटिव कहते हैं. तो टाइप वन एरर कब होती है? अकर्स इफ एन इन्वेस्टिगेटर रिजेक्ट्स ए नल हाइपोथेसिस दैट इज एक्चुअली ट्रू इन द पॉपुलेशन. इसको तो आप रट ही लीजिए, इसको आप याद कर लीजिए, फिर हम इसके बाद का इम्प्लीकेशन समझ के चलेंगे. पर इतना तो याद कर लीजिए कि जब एक इन्वेस्टिगेटर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देता है जबकि वो सही है, वो सही है का क्या मतलब? देयर इज नो डिफरेंस, डिफरेंस नहीं है. लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया का मतलब क्या कि हम ये मान लिया, हमने गलती से ये मान लिया कि डिफरेंस है. उसी तरह से टाइप टू एरर जिसको कि आप फॉल्स नेगेटिव कह रहे हैं, अकर्स इफ द इन्वेस्टिगेटर फेल्स टू रिजेक्ट ए नल हाइपोथेसिस दैट इज एक्चुअली फॉल्स इन द पॉपुलेशन. मतलब जो नल हाइपोथेसिस थी वो फॉल्स थी. फॉल्स थी का मतलब देयर इज डिफरेंस था बट हम उसको रिजेक्ट ही नहीं कर पाए. रिजेक्ट नहीं कर पाए का मतलब हमने हमने उसको मान लिया कि देयर इज नो डिफरेंस बट एक्चुअली देयर इज डिफरेंस. समझ में आ रही बात? तो फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव. फॉल्स पॉजिटिव या टाइप वन एरर, देयर इज इन्वेस्टिगेटर रिजेक्ट्स द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू. एंड टाइप टू एरर व्हेन द इन्वेस्टिगेटर फेल्स टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस दैट इज एक्चुअली फॉल्स. ठीक, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऑल्दो टाइप वन एंड टाइप टू एरर्स कैन नेवर बी अवॉइडेड इंटायरली, द इन्वेस्टिगेटर कैन रिड्यूस देयर लाइकलीहुड बाय इंक्रीजिंग द सैंपल साइज. ये आप आगे जानेंगे तो आप पाएंगे कि टाइप वन और टाइप टू एरर को पूरी तरीके से आप कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं. लेकिन जो जांच करता है, अनुसंधान करता है, वो इनके लाइकलीहुड मतलब होने की संभावना को कम जरूर कर सकता है. कैसे कम कर सकता है? सैंपल साइज बढ़ा के. द लार्जर द सैंपल द लेसर द लाइकलीहुड दैट इट विल डिफर सब्सटेंशियली फ्रॉम द पॉपुलेशन. जितना बड़ा हम सैंपल लेंगे उतनी ये संभावना कम होती जाएगी कि वो पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट अच्छे से ना कर पाए, मतलब वो अच्छे से कर पाएगा. जितना बड़ा, जितना छोटा होगा उतनी ये त्रुटि होने की संभावना ज्यादा रहती है कि जो सैंपल है वो पॉपुलेशन का रिफ्लेक्शन ना करे. और क्या है इसमें कि आफ्टर ए स्टडी इज कंप्लीटेड, हमने स्टडी कर ली, द इन्वेस्टिगेटर यूजेस स्टैटिस्टिकल टेस्ट, हम उस पे स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाते हैं टू ट्राई टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इन फेवर ऑफ इट्स ऑल्टरनेटिव. हमारा प्रयास यही रहता है या हम चाहते यही, हमारा लक्ष्य ये रहता है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें ताकि हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लें. डिपेंडिंग ऑन वेदर द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू और फॉल्स इन द टारगेट पॉपुलेशन एंड अज्यूमिंग दैट द स्टडी इज फ्री ऑफ बायस, फोर सिचुएशंस आर पॉसिबल. वो कह रहे हैं कि वेदर द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू और फॉल्स, कि नल हाइपोथेसिस हमारी शून्य परिकल्पना जो है वो सही है या गलत है टारगेट पॉपुलेशन में, इसके लिए. एंड अज्यूमिंग दैट दी स्टडी इज फ्री ऑफ बायस, और हम ये मान के चले कि स्टडी में हमने कहीं कोई पक्षपात नहीं किया है, सब पक्षपात रहित दशा है. तो चार दशाएं इसकी बनती है. इन टू ऑफ दीज, इनमें से दो दशाओं में तो हम सही निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, लेकिन दो दशाओं में हम गलत निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं और वही टाइप वन और टाइप टू एरर कहलाती है. देखते हैं कि कौन सी चार दशाएं बन रही है. ये चार दशाएं बन रही है, देखिए, एक वो कह रहा है ट्रूथ इन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में सत्य है, इसका मतलब एसोसिएशन प्रेजेंट है. मतलब एक बार कह रहा है एसोसिएशन प्रेजेंट है और एक बार कह रहा है नो एसोसिएशन. तो जब हम रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को तो इसका मतलब कि एसोसिएशन प्रेजेंट है, इसका मतलब करेक्ट है. लेकिन हम रिजेक्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को और ये मान रहे हैं कि नो एसोसिएशन, तो टाइप वन एरर हो जाएगा. मतलब टाइप वन एरर व्हेन वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू. उसी तरह से जब हम फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस कर रहे हैं, मतलब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर एसोसिएशन प्रेजेंट है तब तो ये टाइप टू एरर हो गई. क्यों? क्योंकि टाइप टू एरर में हम क्या करते हैं कि फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली फॉल्स. और अगर हम ये मान लें कि नो एसोसिएशन तब तो ये करेक्ट बात हो गई. मतलब इन चार दशाओं में दो बार तो हम करेक्ट दशा में रहते हैं कि सही हमने माना है कि रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एसोसिएशन प्रेजेंट ये करेक्ट है, फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस नो एसोसिएशन है ये करेक्ट है. लेकिन अक्सर हम रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस करते हैं जब नो एसोसिएशन होता है, ये टाइप वन एरर हो जाती है, और फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस करते हैं जब एसोसिएशन प्रेजेंट होता है, ये टाइप टू एरर हो जाती है. तो ये जैसे भी आपको लिखने में समझने में आसानी हो, बट इस तरीके के बहुत से डायग्राम आपको मिलेंगे अलग अलग, थोड़ा सा ये हेडिंग और ये मैटर चेंज कर देते हैं पर एक्चुअल जस्ट यही रहता है. फिर अब एक एक लेके चलते हैं. टाइप वन एरर क्या है? टाइप वन एरर फिर से समझते हैं अगर आप अभी पीछे ना समझ पाए हो तो. A type 1 error means, फिर वही बात, rejecting the null hypothesis when it is actually true. Actually true थी, actually there is no difference था, लेकिन हमने उसको मना कर दिया. इसका मतलब हमने क्या मान लिया कि difference, there is no difference, ये सही बात है, लेकिन हमने ये मान लिया कि
difference है. It means concluding that results are statistically significant when in reality they came out purely by chance or because of unrelated factors. यानी कि हम उसको statistically significant मान रहे हैं जबकि वो by chance हो गया है या unrelated factors की वजह से हो गया है. तो ये जो risk है हमारा, the risk of committing the type 1 error is the significance level alpha you choose. ये एक बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन टाइप का है क्योंकि generally हम ये linkage नहीं देख पाते हैं जब हम मतलब सरफेस लेवल पर थ्योरी पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स की. हम टाइप वन एरर को कुछ अलग समझते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को कुछ अलग समझते हैं, लेकिन टाइप वन एरर होने का जो रिस्क है, जो जोखिम है, जो हम टाइप वन एरर के लिए निकालते हैं, वही सिग्निफिकेंस लेवल होता है स्टैटिस्टिक्स में, जिसको कि हम अल्फा के नाम से जानते हैं और जिसको कि हम पहले चुन लेते हैं. That's a value that you set at the beginning of your study to assess the statistical probability of obtaining your results. और इस मान को हम अपनी इस अध्ययन की शुरुआत में ही सेट कर लेते हैं ये जांचने के लिए कि statistical probability क्या होगी, जिसको कि हम p value का नाम देते हैं. अब एक और thumb rule याद कर लीजिए कि if the p value of your test is lower than the significance level, अगर p value का नाम significance level से कम आया, मतलब significance level क्या था, 0.05 हम लोग generally रखते हैं social sciences में, उससे कम निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब हम null hypothesis को reject कर देंगे. It means your results are statistically significant. इसका मतलब ये होगा कि हमारे जो results आए, जो परिणाम आए, वो सांख्यिकी दृष्टि से कौन से महत्वपूर्ण हैं और alternative hypothesis के हम consonance में काम कर रहे हैं और हम null hypothesis reject कर देंगे. But if your p-value is higher than the significance level, लेकिन अगर p-value का मान significance level से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब कि your results are considered statistically non-significant. इसका मतलब कि इस वक्त जो परिणाम हमको मिल रहे हैं, वो सांख्यिकीय रूप से मतलब significant नहीं है, non-significant है. तो हम क्या करें? Significance level और type 1 error में फिर क्या है? कि अगर हम type 1 error की probability घटाना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? Significance level कम कर दीजिए, मतलब 0.05 से 0.01 पे level पे ले आइए, तो आपका type 1 error होने की probability कम हो जाएगी. लेकिन आगे देखिए क्या है, type 2 error क्या है? A type 2 error means not rejecting the null hypothesis when it is actually false. एक्चुअली तो वो फॉल्स था, लेकिन हम उसको हमको रिजेक्ट कर देना चाहिए था ना, लेकिन फॉल्स पे हम रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और ट्रू पे रिजेक्ट कर दे रहे हैं, तो दोनों ही बार हम गलतियां कर रहे हैं. दिस इज नॉट क्वाइट द सेम एज एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस. ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि नल हाइपोथेसिस के लिए ये टर्मिनोलॉजी चलती है कि टू रिजेक्ट और टू फेल टू रिजेक्ट, बट हम ये नहीं कहते नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करने जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि हम करना क्या चाहते हैं, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना चाहते हैं पहली बात, और दूसरी बात हमारी जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट है वो सिर्फ ये बताता है कि आप नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे. इंस्टेड अ टाइप 2 एरर मींस फेलिंग टू कंक्लूड देयर वाज एन इफेक्ट व्हेन देयर एक्चुअली वाज. जबकि टाइप 2 एरर क्या है? फेलिंग टू कंक्लूड, ये निष्कर्ष निकालने में असफल हो जाता है कि वो क्या इफेक्ट एक्चुअली था, लेकिन हमको इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है ना. In reality, your study may not have had enough statistical power to detect an effect of a certain size. इसका मतलब कि हमारी study जो है वो powerful नहीं है, मतलब test difference है, हम difference detect नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हमारा test weak है. Okay? तो power is the extent to which a test can correctly detect a real effect when there is one. इसका मतलब कि हमारा जो statistical tool होना चाहिए वो powerful होना चाहिए. तो कह रहे हैं कि a power level of 80% or higher is usually considered acceptable. यानी कि 80% या उससे ज़्यादा की power का test जब हम use करेंगे तो वो acceptable होगा, वो अंतर detect कर लेगा अगर actually होगा तो. तो एक और खास बात निकल के आई कि जो हमारा रिस्क टाइप वन एरर होने का रिस्क है वो टाइप टू एरर होने के रिस्क से जुड़ा हुआ है. द रिस्क ऑफ ए टाइप वन एरर इज इनवर्सली रिलेटेड टू द स्टैटिस्टिकल पावर ऑफ ए स्टडी. यानी कि टाइप वन एरर होने का रिस्क व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमानुपात है, उसका उल्टा चलता है, इनवर्सली रिलेटेड है, proportionally related नहीं है, inversely related है statistical power of study से. यानी कि आप जितना ज्यादा test की power बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा आप type 2 error तो कम करेंगे तब, लेकिन type 1 error ज्यादा करने लगेंगे. तो the higher the statistical power, the lower the probability of making a type 2 error. जितना ज्यादा आप statistical power का test use करेंगे, type 2 error होने की probability तो कम हो जाएगी, लेकिन type 1 error होने की probability बढ़ जाएगी. तो ये कह रहे हैं statistical power को आप कैसे determine कर सकते हैं, size of the effect. अगर लार्जर इफेक्ट होगा तो आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं,
मेजरमेंट एरर, सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर इन इन रिकॉर्डेड डेटा रिड्यूस पावर, जितनी ज्यादा आप त्रुटि करेंगे शक्ति उसकी उतनी कम होती जाएगी। सैंपल साइज, सैंपल साइज अगर बड़ा रखते हैं आप तो सैंपलिंग एरर कम होती है और पावर बढ़ती है। और सिग्निफिकेंस लेवल, इंक्रीजिंग द सिग्निफिकेंस लेवल इंक्रीजेस पावर, अगर आप सिग्निफिकेंस लेवल बढ़ाते हैं तो पावर बढ़ाते हैं, ये मतलब एक पावर को बताने का, वैसे आप इतने से भी काम चल जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का भी आपके लिए सफिशियंट है। अब आ गया ये टाइप वन और टाइप टू एरर की इंटर रिलेशनशिप, कैसे इन दोनों में अंतर संबंध है। टाइप वन एरर एंड टाइप टू एरर रेट्स इन्फ्लुएंस ईच अदर, यानी कि इनके होने का की जो दर है वो एक दूसरे को प्रभावित करती है। कैसे? दैट्स बिकॉज द सिग्निफिकेंस लेवल, जिसको कि टाइप वन एरर कह रहे हैं, इफेक्ट्स स्टैटिस्टिकल पावर, क्योंकि सिग्निफिकेंस लेवल पावर को इफेक्ट कर रही है और पावर जो है वो टाइप टू एरर रेट को इफेक्ट कर रहा है। दिस मीन्स देयर इज एन इंपॉर्टेंट ट्रेड ऑफ बिटवीन टाइप वन एंड टाइप टू एरर। अब इसमें क्या है, देखिए, जब आप सिग्निफिकेंस लेवल घटाते हैं तो टाइप वन एरर के होने का रिस्क घट जाता है, लेकिन टाइप टू एरर के होने का रिस्क बढ़ जाता है। उसी तरह से जब आप पावर ऑफ ए टेस्ट घटाते हैं तो टाइप टू एरर का रिस्क जो है इंक्रीजिंग द पावर ऑफ ए टेस्ट डिक्रीजेस, जब आप पावर ऑफ ए टेस्ट बढ़ाते हैं तो टाइप टू एरर होने का रिस्क तो घट जाता है लेकिन टाइप वन एरर होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो इस तरह से दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस डिस्ट्रीब्यूशन शोज ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स यू विल ऑब्टेन इफ द नल हाइपोथेसिस ट्रू, अगर हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू रहेगी तो सारा नल हाइपोथेसिस का डिस्ट्रीब्यूशन उसमें दिखाई देगा। द करेक्ट कंक्लूजन, और अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताएगा, ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स यू विल ऑब्टेन इफ द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ट्रू। तो हम अगले वाले जो डायग्राम में देखेंगे नल हाइपोथेसिस डिस्ट्रीब्यूशन, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिस्ट्रीब्यूशन, और उससे हम टाइप 1 और टाइप 2 एरर के बीच का संबंध देखेंगे। देखिए ये है, देखिए इसमें यहां ढंग से दिखाई नहीं देता, ये हल्का सा, ये एकदम लाइट, ये लाइट ब्लू है, ये हल्का सा ग्रीनिश है, ऐसे करके मतलब दो अलग अलग कलर है, ये यहाँ कहीं से ये कट रहा है। तो ये देखिए ये आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिस्ट्रीब्यूशन है 1 माइनस बीटा जिसको पावर ऑफ द टेस्ट कहते हैं, और ये आपका नल हाइपोथेसिस डिस्ट्रीब्यूशन है 1 माइनस अल्फा जिसको कि आप अल्फा यहाँ पे सिग्निफिकेंस लेवल है। तो ये देखिए जब ये एरिया है दोनों आपस में जुड़े हुए हैं ना, तो आप यहाँ तक मान लीजिए अल्फा है, तो अगर हम अल्फा को घटा दें तो बीटा बढ़ने लगेगा, और अगर हम बीटा को घटा दें तो अल्फा बढ़ने लगेगा, क्योंकि दोनों एरिया तो मिले हुए हैं ना, एक दूसरे पे ओवरलैप है। इसीलिए आप ये नहीं कर सकते, ना ही आप पूरी तरीके से अल्फा बीटा एरर को खत्म कर सकते हैं, और ना ही आप बहुत ज्यादा एक को घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप एक को घटाएंगे दूसरा बढ़ जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप वन एंड टाइप टू एरर्स है। अब देख लीजिए कि इट्स इंपॉर्टेंट टू ट्राई के बैलेंस, इसलिए हमको बैलेंसिंग करके चलना पड़ेगा कि कितना हम टाइप वन एरर करेंगे कितना टाइप टू, क्योंकि जब जब आप अल्फा को घटाएंगे तब तब बीटा बढ़ जाएगा, जब जब बीटा को घटाएंगे अल्फा बढ़ जाएगा। तो लेकिन अब इसमें ये भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सी एरर ज्यादा नुकसानदेह है, तो स्टैटिस्टिशियन मानते हैं कि टाइप वन एरर ज्यादा नुकसानदेह है। For statisticians, a type 1 error is usually worse. In practical terms, however, either type of error could be worse. वैसे तो कोई सी भी गलत हो सकती है, नुकसानदेह हो सकती है, पर type 1 को ज्यादा नुकसानदेह माना जाता है। क्यों? क्योंकि type 1 error में हम mistakenly going against the main statistical assumption of a null hypothesis. Null hypothesis का जो basic assumption है, हम गलती से उसके against चले जाते हैं। इसका मतलब कि हमको दूसरा formula बनाना पड़ेगा, नई policy बनानी पड़ेगी, नया practice करना पड़ेगा, तो ये एक तरीके से waste of resources है। जबकि type 2 error में क्या है, failing to reject null hypothesis, null hypothesis fail, reject नहीं कर पा रहे, it may only result in missed opportunities to innovate. इसमें केवल हम कुछ opportunity को miss कर रहे हैं, लेकिन टाइप वन एरर में तो mistakenly हम पूरा ही उल्टा सोच ले रहे हैं, उल्टे उल्टा काम कर दे रहे हैं, स्टैटिस्टिकल assumption के अगेंस्ट चले जा रहे हैं, तो इसके लिए तो हमको पूरा पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा, पर टाइप टू एरर में उतनी दिक्कत नहीं। तो ये स्टैटिस्टिशियन का इंटरप्रिटेशन रहा। तो टाइप वन और टाइप टू एरर आपसे बहुत पूछी जाती है। तो टाइप वन एरर क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। टाइप वन एरर क्या है, हम सेट अपना टेस्ट लगाने से पहले ही सेट कर देते हैं। टाइप वन एरर को कैसे कम कर सकते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल घटा के, लेकिन सिग्निफिकेंस लेवल घटाते ही क्या हो जाता है, टाइप टू एरर होने की संभावना बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि पावर से इसका लेना देना है, और जैसे ही आप टेस्ट की पावर बढ़ाएंगे वैसे ही लेवल ऑफ टाइप टू एरर कम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही टाइप टू एरर कम होगा टाइप वन एरर बढ़ जाएगा। तो ये है हिसाब किताब, और पूरी तरीके से उसको खत्म ही नहीं की जा सकती है। तो अब मुझे लगता है कि शायद आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टाइप वन एरर, पावर ऑफ द टेस्ट, टाइप टू एरर जिसको बीटा भी कहते हैं, को कुछ बेहतर समझ पाए होंगे। पिछले वीडियो में ये कुछ इनकम्प्लीट सॉर्ट ऑफ लग रहा था, तो ये आप टाइप वन एंड टाइप टू एरर के लिए ये डेटा, ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए। ओके।
So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.